गाइस, तो आज है हनुमान जयंती। तो आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, और मुझे भी आप कमेंट भी दे सकते हो, ठीक है? कैमरा उसको लगा देना स्टैंड पर, फिर दोनों हाथ हो जाएंगे। हाँ, लगा दूंगा। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान जयंती के देखने के लिए। हमारे हमारे मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है? व्हाट द हेल, लाइट चली गई, अभी जानी थी लाइट भी। तो चलो अब चल के देखते हैं। मम्मी तो अभी तैयार हो रही है, चलो दिखाता हूँ। तो भाई चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? और हम कौन कौन है? एक तो ये नहीं, मम्मी और एक ये रहा आधी आधी के साथ, और आंधी भी है। और पता नहीं क्यों इस टाइम आंधी भी है, बदकिस्मत पूरी तेज आंधी हो रही है। गर्मियों का मौसम में सर्दी का वो ओ, सर्दी का क्या कहते हैं बोलना वरना आंधी है ऐसे। हाँ, बरूते बरूते अब कितनी मिट्टी है, मेरे मुंह भी लग रखी है, बहुत मिट्टी है। आए पेट्रोल पंप पे थे और यहाँ पे हो गया पोपट। यहाँ पर वहाँ पर R15 पहली बार देखी है, पता नहीं पागल है। पीछे देखो, पीछे तो देखो पेट्रोल पंप का ट्रक। अब मुझे लगता है बाहर जाने का कैंसिल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आंधी आ रखी है। हमारे बाल देखो, इसके बारे में तो समझ नहीं सकते। ये हम पहुंच गए हैं हनुमान जयंती, जहां रैली निकलनी स्टार्ट हो गई और राघव भैया आगे हुई है, फोटो खिंचा लिया आगे मम्मी। वो बहुत ज़्यादा इतना दूर है, जाना पड़ा था, बहुत दूर है, जाना पड़ा था। ये वाली रैली जो है ना हनुमान जयंती वाली, ये पूरे शहर में घूम रही थी और गोल गोल घूम घूम के बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलने लगी। जब हमारा मानसा भैया बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ मिली हैं जो आपको, और शाम हम लोग मनाने जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं मनाने गए थे आज के हनुमान जयंती, जिसकी वजह से शाम वाली रैली का कुछ सुनाई दे रहा। हनुमान जी आप लोगों को बताना प्लीज़ कि हमने हनुमान जी कैसे रेडी किए थे, और इसी के ऊपर नीचे वीडियो हैं, प्लीज़ शेयर देख लीजिएगा सब लोग। यहाँ हम पहली झांकी, यहाँ सबसे पहले हमने दर्शन किए किशन जी के, क्योंकि हम लोग आधी झांकी में हैं, आधी आगे चल रही है आधी पीछे चल रही है। तो अभी हम फिलहाल पहले पीछे वाली कवर कर लेते हैं, पहले हम पीछे वाली देखते हैं। और यहाँ इतना आनंद आया, ये मिल गए हनुमान जी, जय श्री राम जय श्री राम। ये सब हनुमान जी जयंती की उसमें हैं सब लोग, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल रही हैं। यहाँ ये झाड़ू लगाई जा रही है जिससे कि हनुमान जी के लिए रास्ता क्लियर हो जाए और हम आगे बढ़ सकें। तो ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सफाई कर रहे थे, जिससे कि हनुमान जी आराम आराम से, ये गाड़ी भी जा रही है सीधी बेचारे की, बहुत सुख, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने कवर करने शुरू करी थी 2-2:30 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ रैली निकलने लगी है 11 बजे से, तो लोग काफ़ी थक भी जाते हैं चलते चलते। यहाँ ये लोग डांस भी कर रहे हैं और गाना भी गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको हनुमान जी के ग्रंथ को आगे ले जाते हुए। राम परिवार जी के आगे हनुमान कहते हैं राघव भैया और आदि भैया ने फ़ोटो खिंचवाए, ऐसे कई जगह हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाए थे। ये खींच के ले जा रहे हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा था। यहाँ डांस भी चल रहा, देखिए खूब डांस करते हुए लेके जा रहे हैं, और इतनी भीड़ थी, सबसे ज़्यादा भीड़ थी इस डीजे पे। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसी डीजे पे भीड़ लगी, बाकी भीड़ तो थी काफ़ी थी, लेकिन मतलब लोगों को खड़े होने की तक की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इतना आनंद आ रहा था, कभी किसी को अगर बालाजी जयंती देखनी हो तो प्लीज़ मुजफ्फरनगर आएँ और देखें कि कितना आनंद आता है। और ये पूरी रात चलता है, इसी तरीके से ये पूरी रात चलता है, ये मतलब जिस दिन शुरू होता है ये 24 घंटे का होता है, तो ये पूरा ही रात चलता है। सुबह अगले दिन बालाजी जो धाम है जो मंडी में है, वो हमारे यहाँ वहीं जाके समापन होता है। पूरे शहर में ये इसी तरीके से घूमता है और बड़ा ही आनंद आता है। सब कुछ पुलिस की निगरानी में ही होता है,
कोई ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से करें, नहीं ऐसा नहीं है, सब पुलिस की निगरानी में चलता है। डांस करते जाएंगे और हनुमान जी का नाम लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए खूब आनंद आया, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने सबका सब इसमें अपना आवाज़ डाली है। और देखिए कितना आनंद आ रहा है लोगों को, शांत नहीं रह सकती, काफ़ी सारा है। और ये इतना शोर था वहाँ खड़े होने में भी, एक दो जगह तो ऐसा लग रहा था डीजे इतना हाई था, एक दो जगह तो ऐसा लग रहा था जैसे अपना दिल बैठ गया, दिल दहल जा रहा था। तो आनंद के साथ साथ डीजे भी इतने हाई हाई वाले थे, जैसे अपना कांवड़ में आते हैं ना इस तरीके से, यहाँ पे भी डीजे बहुत थे। ये देखिए, और आंधी बस ऐसा कह रही थी कि पूरे हनुमान जी को, जैसे पवन पुत्र हनुमान जी है ना, इसी तरीके से हनुमान जी से कह रही थी कि चलो भाई तुम्हें घुमा के लाते हैं। ये देखो कितनी तेज है हनुमान जी की चल रही है, हवा भी बहुत तेज थी, बहुत ही देखो मतलब जब हम लोग घर से निकले थे तब आंधी आ रही थी, यहाँ आते आते कम हो गई थी और आँखों में मिट्टी धूल खूब उड़ रही थी। और मुझे तो शाम को बेटे को तैयार भी करना था, हनुमान जी बना के ले जाना था, तो आँखों में इतनी मिट्टी कि एक बार को तो आँखें लाल हो गई। बेटा वहाँ परेशान ही रहा था आँखों की वजह से। ये देखो ये देखो ये देखो लोगों को डांस, खूब डांस, खूब डांस किया। अच्छा आप सब लोगों के यहाँ हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहे, इसी तरीके से वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी, बढ़िया बढ़िया पहुँचती रहेगी। और इसी तरीके का मुजफ्फरनगर में क्या क्या होता है वो सब आपको देखने को मिलता रहेगा। अभी कहते हैं हनुमान जी जयंती जा रही है, अप्रैल है, इसके बाद सावन शुरू हो जाएंगे, फिर सारी अपडेट आपको सावन की मिलेगी कांवड़ की, जिससे आप आराम से देख सकोगे कि क्या क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर में कांवड़ के टाइम पे। और बहुत ही सुंदर सुंदर कांवड़ें आती हैं मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ें आती हैं और अपने आसपास के क्षेत्र की भी आती है बहुत, मतलब दिल्ली की भी आएंगी, गाज़ियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, इन सब इलाकों की हमारे शहर से होके ही निकलती हैं, काफ़ी अच्छी कांवड़ें हैं होती हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। ला 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 मेरे हनुमान जी आ गए आप जी, हनुमान जी जय श्री राम 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 जय श्री राम। ये है 23 अप्रैल की है ये वीडियो, और 2024 की 23 अप्रैल 2024 के दिन हमने अपने मुजफ्फरनगर में बहुत ही सुंदर झांकियां देखी, जिसका लाभ हम सबको और मेरे साथ साथ आप सबको है। हनुमान जी आपकी सर्व कामना पूर्ण करें और साथ ही साथ सभी संकटों से दूर रखें। ये देखो कितनी सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने सर्कल बना के गोल गोल घूमना शुरू कर दिया डांस करते हुए। और ये इस पे जो भजन था, ये भजन भी बहुत ही अच्छा था, कहते हैं सुनने में भी बहुत सुंदर लग रहा था ये भजन, मुझे तो बहुत आनंद आया। आप सबको जिन जिन को हनुमान जी जयंती देखनी हो तो अगले साल अप्रैल के आसपास ही पड़ती है, देख लीजिएगा कैलेंडर में कि किस डेट में पड़ रही है हनुमान जी जयंती, तो आप सब लोग आ सकते हैं। आदि भैया, राघव भैया, हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है, यहाँ डांस चल रहा है, ये आगे चल रही है रैली, इस तरीके से ही चल रही थी ये रैली आगे। जय श्री राम हनुमान जी, ओ हनुमान जी, गणेश जी भी हैं साथ ही साथ। ये अब हम आगे वाली और दूसरी रैलियों को देखने चल दिए, इन रैलियों में भी बहुत आनंद आया था। ये आ गए हम, कुछ रैलियों के हमने फोटो वीडियो नहीं बना पाए थे। ये हो कितने बड़े बड़े डीजे, कितने बड़े बड़े डीजे। ये हमारी हनुमान जी, राघव भैया, आदि भैया, ये देखो
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मौसम बहुत गर्म था, बहुत ही गर्म था, गर्मी में। ये देखो, इन्होंने अपनी अलग ही रैली निकाल रखी थी, साइकिल वाली, साइकिल कम टायर, इतने मोटे मोटे गाड़ी के टायर लगा रखे थे क्या, समझ नहीं आया। लेकिन ये चल रहे थे खूब बढ़िया आनंद। यहाँ पे हैं कृष्ण जी, जिनका ब्लैक रूप है, शायद राधा बल्लभ है ना, वो है। इन्हें इतनी शर्म आती है कहीं भी फोटो वीडियो खिंचवाने में। रैली का देखो ना, 89 नंबर पे है हम। मतलब हर रथ का ना अलग नंबर था यहाँ पे, जिस नंबर के अनुसार चल रहे थे लोग। तो इस रथ का नंबर था 89। हमने बाकी तो कवर नहीं करा था, लेकिन देखा था, उसी से हमें पता चला कि हर रथ का नंबर क्या है। और ये पूरे शहर में घूमी है, ये सारी रैलियाँ पूरे शहर में। बहुत आनंद आता है इसमें, रैली में हमने इतनी सारी झांकियाँ देखी, बहुत सारी आनंद, और पूछो ही मत आनंद। इसमें काफ़ी सारे हो गए तो हमने फ़ोटो भी नहीं खींचे, लेकिन बड़ा ही मज़ा आया था। काफ़ी सारों के नहीं खींचे, लेकिन काफ़ी सारों के खींचे भी। हम लोग शाम को जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कैंसिल हो गया किसी कारण, नहीं तो आपको यही झांके हम रात, ये खाटू श्याम जी हैं, नहीं तो यही झांके हम आपको शाम में दिखाते, और बड़ा ही आनंद आता। आप भी कहते कि एक बार तो हम जाएंगे मुजफ्फरनगर देखने के लिए, मुजफ्फरनगर में कैसे लगती है। अगर आप लोगों को मुजफ्फरनगर देखना है, मिलना है, तो आ सकते हैं। अब जन कहते हैं कांवड़ आ रही है, सावन आ रहा है, तो हमारे यहाँ कांवड़े निकलेंगी, काफ़ी कांवड़े निकलेंगी। तो कृपा करके आप लोग हमारे मुजफ्फरनगर आके देखें कि कांवड़े कैसी होती हैं, और बड़ा ही आनंद आता है। जिस जिसको देखनी हो तो वो आ सकता है। मुजफ्फरनगर पड़ता है यूपी में, और ये पड़ता है अपना मेरठ से थोड़ा सा आगे, 55 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो दूर भी नहीं है, मेरठ और हरिद्वार के बीच में पड़ता है। आप लोग जिस जिसका मन हो वो आ सकता है, और हमारे यहाँ आके ये देखो आके वो मुजफ्फरनगर की कांवड़े देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रसाद भी मिला था, खूब प्रसाद मिल रहा था। हम खाना वगैरह खूब मिलता है, लेकिन हम लोगों का पेट भरा हुआ था, हमने नहीं खाया। हम लोग घूम घाम के आए शाम को, जो जिसमें रख ये है 73। मैंने कहा था ना कि आपको पहले पीछे की दिखा लेते, फिर आगे की दिखाएंगे, तो जिस टाइम हम पहुँचे थे तो वो है। इससे ना थोड़ा पता रहता है कि कौन कौन सी कांवड़े चल रही हैं। और ये 150 से ऊपर झांकियाँ निकली थी इसी तरीके की, बहुत सारी झांकियाँ थी। ये हम पहुँच गए बालाजी मंदिर, जो मुजफ्फरनगर में। इतनी शर्म आती है, ये तो भाई कुछ नहीं। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। राघव भैया ने कहा जय श्री राम। इसे भी बहुत शर्म आती है, ये नहीं बनाता वीडियो, बहुत कम बनाता है, इसे तो बनवानी पड़ती है बहुत ज़बरदस्ती करके। ये देखो, जय श्री राम करने के लिए भी माथे पे रख लिया, कैमरा चालू करो। नहीं, क्यों आती है मेरे बच्चों को? हो के आ चुके हैं, मैं अभी अपना मुंह धो के आ चुका हूँ, क्योंकि आप तो आपने देख लिया बहुत भीड़ थी। हम आ चुके हैं, अब हवा भी बहुत चल रही थी, मेरा मुंह भी बहुत रखा था। तो ये रहा दी, और पीछे बैठी मम्मी जो हाथ हिला रही है, ये रही। बहुत सारा थक गए, बैठ गए हैं, शाम को फिर से अपडेट करेंगे। हनुमान जी चलो अब शाम के ब्लॉग में मिलते हैं। चलो जय श्री राम।